अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अलग फलक हमसे मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ वाटरमेलन जूस की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो ये हमारे जूस के इन्ग्रीडियंट्स हैं, जिसमें मैंने यहाँ पर ये हाफ तरबूज ले लिया, माशाल्लाह तरबूज इतना प्यारा है। और ये यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून काला नमक ले लिया, 3 टेबल स्पून चीनी ले लिया, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पुदीना ले लिया और 2 मैंने लीमू लिए थे, उसका जूस निकाल लिया। तो चलिए अब अपने जूस को बनाना शुरू करते हैं। तो जो इस रेसिपी को शुरू करते हैं, सबसे पहले हम ये जो वाटरमेलन है इसको कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से काट लेते हैं। हमने स्लाइस कट कर लिया इसका, तो अब हम इसके भी छोटे छोटे स्लाइस कर लेते हैं या साइड पे बॉल भी निकाल लेंगे। इसको साइड पे कर देते हैं बस। और इसी तरह से बाकी भी सारे हम पहले कट कर लेते हैं। तरबूज हमने कट कर लिया, अब हम इसका जूस बना लेते हैं। ये जग ले लिया मैंने, तो इसमें हम ये ऐड कर देते हैं तरबूज। तरबूज हाफ तरबूज हमने जग में ऐड कर दिया, अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देते हैं। सबसे पहले चीनी ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पर पुदीना ऐड कर देते हैं। लेमन जूस और काला नमक। बस हमारे सारे सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड कर दिए हैं, अब हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं। तो देखें माशाल्लाह से हमारा तरबूज का जूस रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे छान लेते हैं पहले, और उससे पहले यहाँ पर मैंने ये छोटे छोटे क्यूब्स लिए हैं वाटरमेलन के, इसको ऐड कर देते हैं। और हमने तरबूज के जूस में पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, क्योंकि वो खुद भी उसमें काफ़ी पानी होता है, तो उसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर मैं कुछ आइस ऐड कर रही हूँ इसमें, ताकि हमारा जो वाटरमेलन का जूस है वो बहुत ही चिल्ड सा और मज़ेदार सा लगे। तो अब हम इसको छान लेते हैं। तरीके से हम इसे छान लेते हैं। त्रियोर्स हमने जूस को छान लिया है अच्छी तरह से, तो अब मैं इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून जामिश्री ऐड कर रही हूँ। इससे जो हमारा वाटरमेलन जूस है उसका कलर बहुत प्यारा आएगा। तो अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, और फिर आगे रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। तो जूस हमारा चिल्ड हो चुका है, तो अब हम इसे ग्लास में सर्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले नीचे थोड़ी सी बर्फ ऐड कर लेंगे, और अब बस सिंपल ये जो हमारा जूस है वो ऐड कर देते हैं।
तरीके से। ये देखिए हमारा जूस रेडी हो चुका है। और एक हम यहाँ पर इस तरह से पुदीने का पत्ता रख देते हैं। और इसी तरह से हम दूसरा ग्लास भी रेडी कर लेते हैं। देखें माशाल्लाह से हमारा बहुत ही मज़ेदार सा और ठंडा ठंडा सा वाटरमेलन जूस रेडी हो चुका है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। गर्मियाँ आ चुकी हैं तो आप इसको ट्राई करें, गर्मी से बचें, घर में पिएं, अपने इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करें साथ साथ। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक दें। वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियोज़ के लिए अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।